स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2023 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मतदान मध्य प्रदेश में खत्म हो चुका है। 230 विधानसभा सीटों पर लगातार वोटिंग जारी थी। 6 बजे वोटिंग अब खत्म हुई। अब आपको बता दें, लगातार जो आंकड़े सामने अब भी आ रहे हैं, अब भी जो लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी जो आंकड़ा रहेगा वो भी आपको हम बताएंगे। बता दें, अभी तक 71.16% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा अगर मालवा में 82% वोटिंग हुई है, सबसे कम अलीराजपुर में 56.24% मतदान हुआ है। ईवीएम में कैद हो चुकी है उम्मीदवारों की किस्मत। जी हां, उम्मीदवारों की किस्मत, प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। दिग्गजों की साख दांव पर है। आज उत्साह लोगों में देखा गया, महापर्व को लेकर के, लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के, और लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। अपने वोट का इस्तेमाल किया, वोट किया। हमने आपको दिन भर की तस्वीरें दिखाई, आखिर कहां पर कैसी स्थिति रही। कहीं पर उत्साह रहा तो कहीं पर लड़ाई झगड़े रहे। आखिर क्या बड़ी बातें आज के चुनाव में रही, आखिर क्या चुनाव में आज की बड़ी बातें रही मध्य प्रदेश की, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे। एमपी में 5 बजे तक 71.2% मतदान हुआ। अगर मालवा में सबसे ज्यादा 82% मतदान हुआ। अलीराजपुर में सबसे कम 56.24% मतदान हुआ। भिंड की हम बात करें, बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव हुआ है। हरदा में मतदान केंद्र पर एक की मौत की खबर भी मिली। खरगोन में मतदान केंद्र पर बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। तो वहीं जबलपुर में वोटिंग के दौरान फायरिंग हुई। ये सबसे बड़ी बातें बता रहे हैं। आठवीं बड़ी बात, कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में खूनी संघर्ष की तस्वीरें भी हमने दिनभर देखी। मुरैना में मतदान के बाद गोली चली। दसवीं सबसे बड़ी बात, नदी पार कर मतदान करने पहुंचे मतदाता। ये 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई कि आखिर कहां कहां पर क्या स्थिति रही। आज पूरे दिन में मतदान के दौरान 230 सीटों पर जो मतदान हुआ, उन सीटों पर आखिर क्या क्या स्थिति रही, कहां पर उत्साह देखा गया, कहां पर क्या साजोसज्जा रही, लोगों में कैसा उत्साह रहा, कहां पर लड़ाई झगड़े हुए, कहां खूनी संघर्ष हुआ, हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। और अब तक मध्य प्रदेश में 71% मतदान हो चुका है। अभी भी लगातार जो है लोग लाइन में लगे हुए हैं, वोट दे रहे हैं। जो पहले से ही लाइन में लग चुके थे वो अभी तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार वोट कर रहे हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कैसा रहा दिन भर का हाल, वो भी हम आपको बताएंगे। लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि दिन भर का हाल आखिर क्या रहा, कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी स्थिति बनी रही, और आखिर ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, ग्राउंड रिपोर्ट आखिर क्या कहती है, इस बारे में भी हम जानेंगे। क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि दिन भर, पूरे दिन भर में आखिर अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में क्या स्थिति बनी रही, इस बारे में जानकारी लेना भी बहुत जरूरी हो जाती है। हमारे साथ सभी सहयोगी जुड़ गए हैं और वो बताएंगे कि आखिर क्या स्थिति कहाँ कहाँ पर बनी हुई है। सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताएंगे कि कहां पर क्या क्या स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें तो हमने आपको लगातार दिखाई हैं। अब जो ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार जुटे हुए हैं, एक एक पल पल का अपडेट दे रहे हैं। शैलेंद्र चौहान है भोपाल से, तो वही पवन पटेल जबलपुर से है, सुशील कौशिक ग्वालियर से है, शैलेंद्र भदौरिया मुरैना से है। सबसे पहले हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हमने देखा भोपाल में कम मतदान हुआ, आखिर इस कम मतदान के पीछे, कम प्रतिशत के पीछे क्या वजह रही और दिन भर क्या स्थिति बनी रही, क्या लोगों में उत्साह था, कैसा उत्साह था, क्या जहन में मुद्दे थे, विस्तार से बताइए। देखिए, अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में 55% तक मतदान हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि ये 2 से 3% और बढ़ेगा, ये निश्चित ही भोपाल जैसे शहर में 60% से कम वोटिंग होना काफ़ी एक अलग ट्रेंड देखा गया है। क्योंकि पिछले चुनाव की अगर तुलना करें तो इस बार भोपाल में काफ़ी कम वोटिंग हुई है, लेकिन इसके पीछे ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर भाजपा हमेशा ज़्यादा वोट लाती थी,
जहां वोट परसेंट ज्यादा रहता था वहां इस बार कम हुआ है। जैसे कि भोपाल मध्य की बात करें तो भोपाल मध्य में 50% के अंदर है, वैसे ही दक्षिण पश्चिम विधानसभा में भी 50 के अंदर है। तो ये दोनों जगह पर भाजपा को हमेशा ज्यादा वोट मिलते थे या ये माना जाता था कि यहाँ से भाजपा लीड करती, लेकिन पिछले चुनाव में अब बीजेपी ने दोनों सीट गंवाई थी और इस बार भी यहाँ पर जो ट्रेंड है वोटों का वो या प्रतिशत है वो कम देखने में आया है। तो निश्चित ही यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगा मतदाताओं में या वोटर्स में कोई उत्साह नहीं था। बाकी अगर बात करें तो बैरसिया में 68% वोट प्रतिशत रहा है, तो बड़ा अच्छा प्रतिशत रहा है वहाँ, और वो कुछ और बढ़ेगा तो 72% तक जा सकता। खासा उत्साह नहीं दिखा गया, आपका यही कहना है? ठीक है, लौटेंगे आपके पास। संस्कार धानी का भी रुख कर लेते हैं, पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आखिर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है संस्कार धानी में, जबलपुर में, और क्या जहन में मुद्दे थे जिन्हें लेकर के आम जनता पोलिंग बूथ पर पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया? बिल्कुल ऋतु, अगर जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में 8 विधानसभा हैं जिसके लिए 2,234 पोलिंग बूथ बनाए गए थे और जिनमें 5 बजे तक तकरीबन 69% मतदान हुआ है, जो बीते 2018 की तुलना में समकक्ष है उसके, और अभी भी मतदान जारी है। इस वक्त भी हम घमापुर शीतला माई के पोलिंग बूथ में हैं जहाँ पर हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं जो पोलिंग करा के यानी मतदान संपन्न करा के फ्री हुए हैं। पहले उनसे बात करते हैं कि सर किस तरह का यहाँ पर रुझान देखा, कैसा लगा आज जो है मतदान देख करके, कितना उत्साह रहा लोगों में? सर जो भी मतदान आज हुआ है जबलपुर में पूर्व विधानसभा में 65% हुआ है हमारे शीतला माई वार्ड का, जिसमें मतदाता जो आए रहे सब उत्साहित होके गए हैं और बहुत अच्छे से घर घर से लोग निकल के आके वोट डाले हैं। हर उम्र वर्ग के लोग रहे? हर उम्र वर्ग के लोग आए हैं, कोई टैक्सी से आया, कोई अपना ऑटो करके आया, कोई बंदा किसी को लेके आया और सबने हेल्प किया। पहले से ज्यादा सबने हेल्प करके मतदाता को इस बार ज्यादा मतदान हुआ है। तो पहले से ज्यादा मतदान हुआ है और अभी भी कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर लाइनें लगी हुई हैं, यानी कहीं प्रोसेस स्लो है तो कहीं पर संख्या ज्यादा है और मशीनें कम थी, इस वजह से पोलिंग बूथ में लाइनें लगी हुई हैं और रात में 9-10 बजे तक पोलिंग की संभावना बनी हुई है कि रात तक मतदान होगा, जिसके बाद प्रतिशत 5-7% और बढ़ सकता है। अगर मुद्दों की बात की जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ देश के प्रति जो सरकार, जो सत्ता और जो जनप्रतिनिधि समर्पित रहते हैं। ठीक। संस्कार धानी की तस्वीरें भी हमने देख ली, मुरैना की तस्वीरें भी हम देख लेते हैं जहां पर सुबह से उपद्रव की तस्वीरें हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ। शैलेंद्र, कितना प्रतिशत मतदान हुआ है और दिन भर कैसी स्थिति बनी रही वहां पर? देखिए मेरे तो आपको बता दूं कि अगर मुरैना जिले की बात करूं तो 5 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 66% मतदान जो है मुरैना जिले की 5 विधानसभा सीटों में हुआ है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जो 6 बजे तक मतदान है उसके बाद आखिरी आंकड़ा कितना बढ़ता है। ये लगभग ये माना जा रहा है कि ये आंकड़ा जो है वो 70 के पार होगा, जो अपने आप में एक बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मुरैना के कुछ इलाकों में हल्की छुटपुट की जो घटनाएं हुई, हिंसाई घटनाएं, उसके बावजूद भी ये देखने में आया कि ग्रामीण इलाकों में जो मतदाता थे उनके बीच मतदान करने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। हालांकि शहरी मतदाता राजधानी भोपाल की तरह मुरैना में भी थोड़ा सा उदासीन नजर आया और जितनी बड़ी संख्या में निकलना चाहिए उतनी बड़ी संख्या में नहीं निकले, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अल सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी जो देर शाम तक यानी 6 बजे के बाद तक भी लगातार जारी रही। और जिस तरीके जो कुछ जरूर घटनाएं हुई थी उसके बाद कुछ जो पोलिंग सेंटर थे वहां पर कुछ देर के लिए मतदान रोकना पड़ा, या ये कहें कि मतदाता भय के चलते नहीं आए, लेकिन जैसे ही जब पुलिस पहुंची और स्थिति सामान्य हुई उसके बाद एक बार फिर से वो मतदान के लिए लाइन में लग गए। ठीक शैलेंद्र, लौटेंगे आपके पास। सुशील कौशिक भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, चंबल की हम बात कर लेते हैं। सुशील, हमने बाकी जगह की तस्वीरें हमने देखी, जो शहरी वोटर हैं कहीं ना कहीं उनमें उत्साह की कमी नजर आई, जो ग्रामीण वासी हैं स्लम एरियाज में रहते हैं, छोटे छोटे एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहां के लोग ज्यादा जागरूक नजर आए, क्या ऐसी ही स्थिति चंबल में भी नजर आई? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल में भी हालात कुछ इसी तरह के बने हैं। पिछले चुनाव की बात करें 2018 में 65% मतदान हुआ था, अभी ग्वालियर में 6 बजे तक करीब 61% मतदान हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि शहरी क्षेत्र में मतदान करने में लोग ज्यादा आलसी नजर आए, भीतरवार डबरा जैसे इलाकों में 70% से ऊपर मतदान हुआ है, लेकिन ग्वालियर की शहरी अगर सीटें अगर देखें, चाहे ग्वालियर साउथ देखें या ग्वालियर ईस्ट देखें या फिर ग्वालियर सीट को देखें, तो यहाँ मतदान 60% के आसपास रहा है। और यही वजह है कि माना जा सकता है कि इस बार भी जो
मतदान का रेशियो 65% के करीब जो पिछले बार रहा था वो लगभग रहने की उम्मीद है। ये अवाड़पुरा का एक मतदान केंद्र है जहां देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में अभी भी लोग लाइनों में लगे हुए, क्योंकि ये 6 बजे से पहले से ही लाइनों में लगे हुए, तो इन सभी लोगों के मतदान कराए जाएंगे। और इस वक्त पूरा प्रशासनिक अमला भी यहाँ मौजूद है, ग्वालियर के कलेक्टर भी अक्षय कुमार सिंह जी, इनसे बात करेंगे। सर, मतदान को लेकर किस तरह की स्थिति है सर? मतदान को लेकर किस तरह का क्या हालात चल रहे हैं? थोड़ी सी भीड़ हो गई थी इसलिए हम लोग आए थे, और यहाँ 4 मतदान केंद्र थे, सभी लोग आराम से बैठ जाएं। एक में खत्म हो गया, एक में खत्म होने को है, 2 में थोड़े थोड़े बचे। सर, शहरी क्षेत्र में मतदान देखे तो वो सब कम रहा है। ठीक जी, सारी जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सहयोगी ने जानकारी भी साझा की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो आप लगातार जो है तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से लोग उत्साह में लबरेज हैं और वोट करने के लिए पहुंचे, पर कई जगह पर ये भी स्थिति देखने को मिली, तस्वीरें हमें देखने को मिली जहां पर लोग कम जागरूक नजर आए, या यूं कहें कि जागरूक तो है पर उत्साहित नहीं है, वो वोट नहीं करना चाहते, इसे निराशा माने या आलस माने ये तो नहीं पता। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर की बात करेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में खूनी संघर्ष हुआ है, दोनों में जमकर बमबाजी हुई है और फायरिंग हुई है। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फायरिंग की है, पुलिसकर्मी और बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुबह से ही ऐसी तस्वीरें, भाजपा कांग्रेस की संघर्ष की तस्वीरें हम देख रहे हैं। एक और तस्वीर, भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खूनी संघर्ष, दोनों जमकर बमबाजी यहां पर हुई है, दोनों के बीच में फायरिंग हुई है, कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में फायरिंग हुई है। ये जबलपुर की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। पुलिसकर्मी और बीजेपी कार्यकर्ता के घायल होने की भी खबर मिल रही है। मौके पर फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश लगातार की जा रही है। मतदान खत्म होने से 15 मिनट पहले दो प्रत्याशियों के बीच में, दोनों ग्रुप्स के बीच में झगड़ा हुआ है और अभी पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। आगे जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की। जबलपुर पश्चिम विधानसभा में बीजेपी नेताओं पर लाठी चार्ज हुआ है। बता दें, हितकारिणी कन्या विद्यालय मतदान केंद्रों के पास की घटना है। पूर्व जिला उपाध्यक्ष अजय तिवारी पर लाठी चार्ज हुआ, कार्यकर्ताओं सहित मतदाताओं में भगदड़ का माहौल बन गया, हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ। बता दें, पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद रिहा भी कर दिया। बीजेपी नेताओं ने एसपी कमल मौर्य पर आरोप लगाए हैं। बता दें कि जबरदस्ती कार्रवाई करने के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। ये तस्वीरें, झड़प की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में दिन भर ही ऐसी कई सारी तस्वीर जो है देखने के मिली है, जहां पर झड़प हुई, लड़ाई झगड़े की, मारपीट की तस्वीरें अलग अलग जगह से निकल करके सामने आई। जबलपुर की ये तस्वीर जहां पर झड़प हुई है। मुरैना से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मतदान के बाद यहां पर गोली चली है, गोलीबारी में एक शख्स घायल भी हुआ है, शख्स के पैर में गोली लग गई, घायल शख्स को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। बीजेपी समर्थक ये शख्स बताया जा रहा है जो घायल है, कोतवाली थाना इलाके की ये घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुरैना से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मतदान के बाद गोलियां यहां पर चली हैं, घायल होने की भी खबर है। बता दें आपको, गोलीबारी में एक शख्स घायल हुआ है, फिलहाल उसका इलाज जारी है। यह भी बता दें आपको कि शख्स के पैर में गोली लगी है जिसका इलाज किया जा रहा है। नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में, नंबर 1 के जो बेटा इधर से, नंबर 2 वाला उसके बीच की रोड पे। कितने लोग थे ये? गिनती का करूँ, बहुत 50 और 60 के ऊपर हुए चलते और 40 हो गया था, गिनवे तो नहीं। अब जो उनके दिमाग में होगा। एमसी बेसला है बिछोला के सरपंच, इनका कहना है कि मैं अपनी सिस्टर के घर से निकल के गांव जा रहा था तो चार। इंदौर से बड़ी खबर की इस वक्त बात करेंगे। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है इंदौर में, कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक की तस्वीर सामने आई। बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक का सिर भी फूटा है, दोनों के बीच विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये पूरा मामला थाने भी पहुंच चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी
पुलिस के बीच बहस भी हुई। संजय शुक्ला और पुलिस के बीच तीखी बहस की तस्वीरें भी हमें देखने को मिली। नोकझोंक का वीडियो वायरल होने लगा है। प्रत्याशी ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, इंदौर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इंदौर की इस वक्त आप देख रहे हैं। नोकझोंक का ये वीडियो अब वायरल होने लगा है। तस्वीर इंदौर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। इंदौर की ये तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी और पुलिस के बीच बहस हुई, अब ये वीडियो वायरल होने लगा है। नोकझोंक का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। में विवाद हो गया था, बातचीत हो गई थी, तो इस वजह से उनमें दोनों लड़ाई हो गई थी। मतलब वोटिंग को पूछते हुए आपस में बात कर रहे थे, लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होने का दोनों के समर्थक इकट्ठे हो गए हैं। बस सर कितने लोग हैं अभी? दो हैं, एक अमित और एक महेश। सर क्या अभी स्थिति है यहाँ पर? काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, आप लोगों ने यहाँ पर पहुँचे? नहीं, अब तो नियंत्रण में है, अब कुछ दिक्कत नहीं है। दोनों को अलग अलग कर दिया गया, पक्षों को हटा दिया। सभी तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उत्साह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, झड़प की तस्वीरें हमने आपको दिखाई इस लोकतंत्र के महापर्व पर। पर कुछ रोचक तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र के महापर्व पर हिस्सा लेने एक युवक दुबई से पत्नी के साथ मंडला पहुंचा। बता दें दुबई के एयरलाइंस में युवक काम करता है। रायपुर में मतदान करने के लिए एक वोटर ऑस्ट्रेलिया से पहुंचा। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में किया मतदान। सीधी में मतदान केंद्रों पर दिखी भारी भीड़, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। फर्स्ट टाइम वोटर्स में दिखा जबरदस्त उत्साह। फीमेल वोटर्स बोली, हम अपनी सरकार चुनने आए हैं, युवाओं की मांगे पूरी करने वाले के साथ होगा यूथ। व्हीलचेयर पर वोटिंग करने पहुंचे पुरुष, लोकतंत्र को मजबूत करने में अपने मत का किया इस्तेमाल। रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा का वीडियो वायरल। फकीर बाबा से चप्पल खाकर लिया आशीर्वाद, जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे पारस सकलेचा। बलरामपुर में मतदान के लिए 10 किलोमीटर तक चले पैदल। पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग पैदल चलकर पहुंचे मतदान केंद्र। मतदान के लिए 10 किलोमीटर तक चले पैदल। जांजगीर चांपा जिले में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। 101 वर्ष के बुजुर्ग ने डाला वोट। बूथ नंबर 103 पर जगबंधु नंदरी किया मतदान। शहडोल में दिल को सुकून देने वाली तस्वीर आई सामने। मतदान को लेकर वृद्ध दंपत्ति का दिखा उत्साह। लाठी के सहारे नेत्रहीन पत्नी को लेकर वोटिंग कराने पहुंचा बुजुर्ग। देवास में वोटिंग को लेकर दिखा उत्साह। 103 साल के मांगीलाल ने मतदान केंद्र में जाकर डाला वोट, सोशल मीडिया पर वायरल। ग्वालियर से राजनीति की अच्छी तस्वीर आई सामने। कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। बड़वानी में बुजुर्गों ने किया मतदान। 113 वर्षीय नाना भील ने किया मतदान। साथ ही 100 वर्षीय यशवंत शर्मा ने भी डाला वोट। बुजुर्गों और महिलाओं में मतदान के लिए खासा उत्साह। खल्लारी विधायक द्वारकाधीश यादव ने परिवार सहित मतदान किया और छत्तीसगढ़ में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का किया दावा। रायपुर विधानसभा के कोरकोम गांव के मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह। तेज धूप में घंटों खड़े रहे मतदाता। मुंगेली में दिखी लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर। विवाद के बाद एक साथ दिखे प्रत्याशी, कांग्रेस बीजेपी और जोगी कांग्रेस प्रत्याशी दिखे एक साथ। डिंडोरी में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह। नर्मदा नदी पार करते मतदान करने पहुंचे ग्रामीण। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए ग्राम पंचायत ने की नाव की व्यवस्था। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।